क्या बताएंगे? अरे क्या नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे? आप ऐसे किसी को गाली दे देंगे तो हमें सुनाएंगे गाना, गाली दे देंगे तो ऑन कैमरा है, नहीं क्या बताएंगे? ऑन कैमरा जो आप कैमरा किसी को गाली दे देंगे ऐसे? नहीं देखिए, आप बहुत कैमरा देखे हैं, हमारे प्रोग्राम में बहुत कैमरा लगता है, ठीक है? कि सल्लू खेसारी कहे ले खचड़ा बाबा, आर्यन राज भी कहे ले खचड़ा बाबा, साला हार्दिक पांड्या बड़ा बाबा, इनके पतैया कड़ा बाबा, साला हार्दिक पांड्या बड़ा बाबा, गुजत रोहित के नाम के नरा बाबा, सुना हार्दिक पांड्या बड़ा बाबा, रोहित शर्मा के फैन के दहाड़ा बाबा, साला हार्दिक पांड्या बड़ा बाबा, अजो देवरिया के लेकर रोहित साथ में रंग बारो भी रही औकात में, कि पूरा इंडिया के रही जदी साथ में, हार्दिक पांड्या भी रही औकात में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है और कुशीनगर में खेसारी लाल यादव आए हैं और ये उनके फैन फॉलोइंग है जो इनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं और साथ साथ गाना भी गा रहे हैं। अभी IPL चल रहा है, बहुत सारे फैन ऐसे भी हैं जो हार्दिक पांड्या के फैन हैं और बहुत सारे ऐसे फैन हैं जो रोहित शर्मा के हैं और बहुत सारे ऐसे फैन हैं जो MS धोनी के, यानी अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग फैन मिलेंगे। लेकिन खेसारी लाल यादव हार्दिक पांड्या पे गाना लिख करके लेकर के आए हैं जो हार्दिक पांड्या के विरोध में गा रहे हैं। विरोध करने का कौन सा तरीका है कि अगर खिलाड़ी आपको पसंद नहीं आया तो आप उसके विरोध में गाना लिखेंगे और उस गाने में आप गाली गलौज करेंगे? रोहित शर्मा के साथ बदतमीजी करेंगे तो हम भाई उनके फैन है, रोहित शर्मा के गाली देंगे उनको। हार्दिक पांड्या IPL के कैप्टन है मुंबई के और रोहित शर्मा इस समय इंडिया के 2020 वर्ल्ड कप के कैप्टन है, तो आप ऐसे कैप्टन का मजाक उड़ा रहे हैं मंच पे फील्ड में कि जो इंडिया के कैप्टन है। सबसे पहले हम तो गाना सुन लेते हैं आपसे, उसके बाद आपको बताते हैं हम, थोड़ा गाना सुनाइए। क्या बताएंगे? अरे क्या नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे? आप ऐसे किसी को गाली दे देंगे तो हमें सुनाएंगे गाना, गाली दे देंगे तो नहीं सुनाएंगे गाना, नहीं सुनाएंगे, नहीं सुनाएंगे गाना, सुनाना पड़ेगा। ये ऑन कैमरा है, क्या बताएंगे? ऑन कैमरा जो आप कैमरा, किसी को गाली दे देंगे? नहीं देखिए, आप बहुत कैमरा देखे हैं, हमारे प्रोग्राम में बहुत कैमरा लगता है, ठीक है? ऐसे ही कैमरा का रूम मत दिखाइए। हार्दिक पांड्या कोई फैन फॉलोइंग नहीं है क्या? होगा, हमको उससे घंटा नहीं, कोई फैन फॉलोइंग नहीं है? नहीं, हम फैन फॉलोइंग बात किया है, हम उसके बदतमीजी भी गाना गाए हैं। क्या बदतमीजी किया? क्या नहीं किया है वो? क्या किया है? देश के लिए खेल रहा है वो, देश IPL मुंबई के लिए खेल रहा है वो, मुकेश अंबानी के लिए खेल रहा है, देश के लिए रोहित शर्मा खेल रहा है। मुकेश अंबानी देश के बाहर का है क्या? देश के बाहर का है, देश के बाहर का हो चाहे अंदर का हो, लेकिन जो पैसा आएगा उसके बाद देश के युवाओं को रोजगार देकर देता है, वो भी काम करते तो रोजगार पाते हैं। अगर आप खेत में कुल्हाड़ी के लिए गाली देना कितना शोभा देता है, इसलिए शोभा देता है कि आपसे आप अपने घर में आपके पिताजी आपके बड़े भाई हैं, आप उनके साथ बदतमीजी करेंगे तो बड़ा भाई क्या करेगा? गाली दे देगा, सहेगा, गाली दे देगा। गाँव के लोग क्या कहेंगे? गाँव के लोग क्या कहेंगे? अरे सर्व बड़ा हरामी भरे, अगर भाई अपने भाई के साथ परेशान के लिए बाप, अपने बाबू जी परेशान के लिए बाप, भाई तो बड़े भाई है रोहित शर्मा, वो नहीं कुछ बोले, लेकिन जो लोग हैं जो देख रहे हैं, जो लोग प्रशंसक है वो तो उसका अभद्र टिप्पणी करेंगे ना, वो प्रतिक्रिया देंगे ना कि भाई रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज को परेशान कर रहा है, फील्ड में दौड़ा रहा है इधर से उधर, तो लोग अपना प्रतिक्रिया देंगे कि नहीं देंगे? हम तो गाना गाए हैं ना, आप मैच में देखिए, गाना सुना कर नहीं रहे हैं तो आप कह रहे हैं आपको गाना के बाद बताएं, क्या बताएंगे? गाना सुनाइए ना, सुनिए गाना, सुनिए सुनाइए, हम डरते क्या किसी भाई, सुनिए सुन लीजिए गाना, गाना सुनाएंगे क्यों नहीं सुनाएंगे, पूरा दुनिया सुनेगा। अरे नीम के पतैया कड़ा बाबा, नीम के पतैया कड़ा बाबा, साला हार्दिक पांड्या भड़ा बाबा, साला हार्दिक पांड्या भड़ा बाबा, गुजत रोहित के नाम के नरा बाबा, गुजत रोहित के नाम के नरा बाबा, सुना हार्दिक पांड्या भड़ा बाबा। और इतने लेना रोहित शर्मा का फैन लोग क्या कहता कि रोहित शर्मा के फैन के दहाड़ा बाबा, रोहित शर्मा के फैन के दहाड़ा बाबा, साला हार्दिक पांड्या भड़ा बाबा। आपके ऊपर शोभा देता है खेसारी लाल यादव, भाई शोभा दे फैन फॉलोइंग है, सुनिए भाई, आप उसको हार्दिक पांड्या को इस तरीके से गाली दे रहे, भड़वा कहना आपके ऊपर शोभा दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? भोजपुरी बतियाते हैं आप? हाँ बतियाते हैं, तो देखिए भोजपुरी में हम समझाओ तो नहीं भाई, समझाओ भोजपुरी में कि देखो भोजपुरी में कहो तो कि ठीक बा कि जब अपना बाबू जी के ना भइल वो अपना मेहरारू के का हुई, ठीक है, अपना माई के ना भइल मेहरारू का पूछी, ठीक। तो इस समय भोजपुरी छोड़ दीजिए तो मालूम सिंगर है कौन, बात नहीं है, क्रिकेट के दुनिया में हार्दिक पांड्या के बाप लोग कहला रोहित शर्मा के, हम ना कहले ना ना, ना हमारा ट्रोल मत करियो बाद में, हम कुछ ना ट्रोल का, आप तो कह रहे हैं कि हम फैन है हार्दिक, अरे हम इना कहते नहीं कि रोहित शर्मा हार्दिक के बाप, हमें पूरा दुनिया कहता
तब बाप के संग बदतमीजी कैला पर लोग क्या कर लतियाई की छोड़ दी। अब तू ही बता दो क्या कर भाई, अगर बाप से गरिया है हम तो गरिया है काहे गरीब हम तो खुल के गाली दियल बहुत अच्छा बात होगा हमके बहुत अच्छा लागल है बहुत अच्छा लागल तू कौन भाई देवरिया के बहुत बड़ा स्टार गायक है तू गायक हो जो देवरिया के लड़का रही साथ में रंग बारो भी रही औकात में और सुनाई कि पूरा इंडिया के रही जदी साथ में हार्दिक पांड्या भी रही औकात में। कोई दुश्मनी है क्या आप लोगों को हार्दिक पांड्या? ए भाई पहले ही कोने ना हमारा खेत जोतले बड़े ना हमारा कर्जा लेले बड़े ठीक बा आ ना हमारा गर्लफ्रेंड लेके भागल बड़े। से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है उनके व्यवहार से, व्यवहार से उनका व्यवहार किसी को भी पसंद नहीं है। कौन सा ऐसा व्यवहार है जो आप लोगों को पसंद नहीं है दिल में उसको ले बैठा लिया? ये बताइए आप हमसे बड़े हैं और हम आपके साथ बदतमीजी करें यहाँ दौड़ाएं वहाँ दौड़ाएं तो अच्छी बात नहीं है और आगे तो हमारे मामा बता ही देंगे आपसे। अच्छा मामा भांजा है क्या आप इसीलिए एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे? अरे चलिए मान ले हमने मामा भांजा का है तो गांव का लोग ना यूं तो सपोर्ट करता लोग भाई सपोर्ट लोग कहला कि भोजपुरी के लोग जहाँ बेरा भाई शांत से रहेला और शेर के तरह रहेला ठीक तो भाई हमने के भोजपुरी के शेर हैं जा जवन कहा जा खुलेआम को हब जा ठीक और हमने का रोहित शर्मा का फैन है जा बड़का फैन तो रोहित शर्मा का सपोर्ट खुले ऐसे हार्दिक पांड्या को तू गाली देबो बिल्कुल एकदम गाली देबो एकदम गाली देबो एकदम गाली देबो तेरा कौन दिक्कत बा तरीका है एकदम तरीका तेरा कौन दिक्कत बा? अरे हमरा हम तो हमरा से कोई के दिक्कत नहीं है हमरा से कोई का फायदा नहीं के लिए दिक्कत नहीं है। एक मिनट तू बताओ हमरा से कि तू रोहित शर्मा का फैन हो कि ना हो? रोहित शर्मा का फैन हो? हम कोई के फैन ना या सब कोई के फैन हमी देश के फैन हो? हाँ बिल्कुल है। हिंदुस्तान के फैन सब के? हाँ बिल्कुल देश से प्यार करे ला? बिल्कुल प्यार करे नहीं तो ही बताओ कि जे देश खाते खेलता ओकर साथ देबा कि जे आईपीएल खाते खेलता ओकर साथ देबा ये बताओ का है? हार्दिक पांड्या देश खाते ना खेले ले इस समय इंडिया कप्तान के बार वो बताई रोहित शर्मा माने ना तो तू जे देश खाते खेलता ओकर सपोर्ट करबा कि जे आईपीएल में पैसा लेके आबा 20 करोड़ का सपोर्ट करबा के कर सपोर्ट करबा? अब हार्दिक पांड्या अगर कप्तानी नेगन करत एकरा मतलब गाली सुनी है कप्तानी? अरे भाई अरे हने आप सुबह रहे हने आप सुना हार्दिक पांड्या कप्तानी करत रहे लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ा दूसरा टीम के पूरा आईपीएल के 10 टीम में से 9 टीम खाली रोहित शर्मा से डराला। अभी हैदराबाद की जो मैच भाई ना पेंट कमिंस के आप जाकर के उनका इंटरव्यू देखिएगा वो बोले थे कि भले हम लोग 277 रन बना लिए थे अपने मैच में लेकिन मैंने अपने खिलाड़ी से बोला था कि अगर रोहित शर्मा आउट नहीं होंगे तो हम इतना रन बचा नहीं पाएंगे हम लोग मैच हार जाएंगे। चलिए एक मिनट तो मैं अभी और भी आपसे बातचीत करूंगा। वो गाना का मुखड़ा सुनाए आपको अंतरा सुना देते हैं कि हार्दिक रोहित ना जैसन बन पई हैं बहुत ही हैं बहुत ही चल जई हैं रोहित शर्मा के नमावे काफी बा जे जीतवले तपच बेर ट्रॉफी बा सल्लू खेसारी कहले उ खचड़ावा बा के बा खचड़ावा हार्दिक पांड्या भाई ओकर रोहन ठीक नहीं खे बाबू हमारा कुछ गड़बड़ बुझाता तू भगिना हो तू का कहत रह हम हुए कहे ठीक है बाबू कि सल्लू खेसारी कहे ले खचड़ावा बा आर्यन राज भी कहे ले खचड़ावा बा साला हार्दिक पांड्या बड़ा बाबा तो बढ़िया जोड़ी लागल बा दोनों जानी के एकदम एकदम रंगा बिल्ला का जोड़ी हमने के कहे रहे भाई धमाल कर रंगा बिल्ला बिल्ला खेसारी लाल यादव है खेसारी लाल टू है टू बोले जाते हैं कुशीनगर के रहने वाले हैं और आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो में हार्दिक पांड्या के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।